What's up guys, your official बदला लेने वाला is back. और finally वो time आ गया है जब हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं explosive ammo में. अब आप लोग को तो पता ही होगा कि पिछले 30-40 races से बॉब मेरे को उससे बुली करे जा रहे हैं और इतने टाइम से मैं उसको इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि जो explosive ammo होती है ना वो नॉर्मल वेपन शॉप पे नहीं मिलती. तो इसलिए आज हमारी मदद करने वाले है अपने प्यारे चॉप. कहाँ पर हो भाई? ऑनलाइन आ गया, आ रहा हूँ, रुको. अरे वाह, क्या बात है ब्रो, तुम्हारी गड्डी तो बड़ी कमाल की लग रही है. टीटू भैया से कस्टमाइज करवाया है तभी इतनी कमाल की लग रही है और पेंट भी बहुत ऊपी है. जल्दी बैठो. तेरे बोलने से पहले ही मैं अपनी गाड़ी से उतर गया. व्हाई नॉट, कितनी खतरनाक लाइट है यार, अंधा हो जाऊंगा मैं. रात के टाइम पे डबल कूल लगता है. हम लोग कैसीनो के बहुत पास है तो आज स्पिन भी कर लेते हैं. ठीक है, न्यू प्लीज. चौक तो मेरे से भी ज्यादा तेज है यार. ऐसा नहीं है, आज बस ट्रैफिक कम था. आ जाओ फिर, वेपन अपग्रेड करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अपनी किस्मत कैसी चल रही है. क्या बात है, आज का ग्रैंड प्राइस तो बड़ा मस्त है, ऊपर से मेरे कलर से मैच कर रहा है. आइए. तुम लगा के हाय शब, बॉब है भैसा. पर अभी बॉब नहीं है यहाँ पर. बोल बोल की आदत पड़ गई अब तो मेरे को. लेट्स सी क्या मिलने वाला है. पैसा ठीक है, कपड़ों से तो अच्छा ही है. अब आ जा यार, एक्सप्लोसिव एमो खरीदने चलते हैं. रोजर दैट. वैसे हम एक्सप्लोसिव एमो को नॉर्मली नहीं खरीद सकते. वही तो, कैसे हम लोग होता है वो? पहले हमें बंकर खरीदना होगा. ये वो है मेरे पे. वो बस स्टेप वन था. स्टेप टू में तुम्हें उसके लिए रिसर्च करना होगा. क्या रिसर्च? डोंट वरी, तुम नहीं करोगे, तुम्हारी स्टाफ करेगी. पर हाँ, थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें भी करना होगा. जैसे कि? उसके बारे में बंकर पे जाके बताता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. वो जो सामने चेयर दिख रहे, तुमको उस पे बैठना होगा. क्या, चेयर पे बैठ के अनलॉक करेंगे? ये भी एक तरीके से स्टेप वन ही है. मेरे को यकीन नहीं हो रहा गाइस, बॉब ने मेरे को उड़ाने के लिए इतना कुछ करा. नहीं तो आप जानते ही नहीं, उसे बहुत ही ज्यादा इंपेशेंट है, तुम्हारी तरह ही. ये बात भी है, अगर बॉब मेरे को एक्सप्लोसिव एमो से नहीं उड़ाता तो मैं भी कभी अनलॉक नहीं करता इसे. बट गाइस, नाउ वी आर टू डीप, कुछ नहीं कर सकते, अनलॉक करके रहना होगा. आ जाओ फिर, अभी के लिए आराम से बैठ के लैपटॉप चलाते हैं. खुल जा सिम. खुल गया सिम. सिम अब यहाँ पे तुम रिसर्च पे जाओ. चलो स्टॉक लेवल तो अच्छा है. रिसर्च क्या, उसके बाद क्या, व्यू अनलॉक. ये देखो, तुम्हें इनमें से कुछ भी मिल सकता है. अच्छा, आरएनजी है क्या? हाँ, रैंडम है. बॉब का लक बहुत अच्छा था, उसे थर्ड टाइम भी मिल गया. अरे अपन का लक उससे भी ज्यादा खतरनाक है, देख लेना, फर्स्ट टाइम पे ही मिल जाएगा. गुड लक. तो गाइस, एक बार मैं वापस से सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ. ये देखिए, ये जो येलो कलर का दिख रहा है आप लोग को, ये है एक्सप्लोसिव एमो. और जो बाकी चीजें दिख रही है वो भी अनलॉक हो सकती है. तो जब हम रिसर्च करेंगे, चांस है कि हम लोग को वो चीज मिले. ओके, तो अपन ने काउंट करा 51 आइटम. सही बोला, और अभी के लिए तुम्हारा चांस है 1.96%. ओके, बाय कर लो. तुम पे अभी बहुत पैसा है तो कर सकती हूँ. चलो ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा. आई गेस करंट प्रोजेक्ट ही मिलेगा शायद से. हाँ, कोई नहीं, धीरे धीरे एक्सप्लोसिव एमो का चांस बढ़ता रहेगा. वो कैसे? जो चीज अनलॉक हो गई है वो वापस से नहीं मिलेगी. क्या बात है, मतलब रॉकस्टार्स वाले इतने भी बुरे नहीं है. अरे मैं वापस से क्यों नहीं खरीद पा रहे इसे है? है? क्योंकि रिसर्च अभी जीरो है, वेट करना होगा थोड़ा. उससे पहले अपने स्टाफ को भी एक बार रिसर्च पे लगा दूं. अच्छा हाँ, यू हैव नो असाइन स्टाफ टू रिसर्च. जो गाइस, जो अपने स्टाफ है फिलहाल तो मैन्युफैक्चरिंग में है, लो रिसर्च पे लगा दिया. आइए. रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग एक मिशन कर लेती है. आ जाओ ब्रो, बताओ किसको मारना है. किसी को नहीं मारना, बस डिलीवरी करना है. क्या डिलीवरी यार, फ्रू असैसिन हूं, ये कैसे काम करवा रही हूं मेरे से? डिसेंट पैसे मिलेंगे. ठीक है, अब कोई और ऑप्शन नहीं है तो कर ही लेते हैं गाइस. उससे पहले थोड़ा हाइड्रेट हो जाते हैं गाइस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड, सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक है. अभी गर्मियां चल रही है तो कोल्ड ड्रिंक भी चलेगा. वेरी टेस्टी. इस ट्रक में बैठो. ये कहाँ से आया? बंकर के साथ ही मिलता है, तुमने कभी नोटिस नहीं करा? इवन तो मेरे पे बंकर था, मैं कभी आता नहीं था ना यहाँ पर, तो पहली बार देख रहा हूँ. अब क्या करोगे गाइस, अमीर होने के भी अलग ही स्ट्रगल्स है. मैप पे लोकेशन आ गई होगी. ओके, और यार ये एजेंट 14 का बच्चा बार बार दिमाग खराब करा है कॉल करके. कितनी बार बताओ कॉल मत कर, तेरी बैच के बहुत नहीं तो गाइस हद है यार, दिमाग खराब करे जा रहा है. बॉटम राइट पे तुम्हें टाइमर दिख रहा होगा. 14 मिनट है अभी, तो टाइम के अंदर डिलीवर करना होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा. ऐसा है क्या? और ये ट्रक हो वेरी पावरफुल. अपने लिए 14 मिनट्स बहुत ही ज्यादा है गाइस. अगर 5 मिनट होता ना तब भी कर लेता. ओके, लुक्स लाइक कि मैं कुछ ज्यादा हीरो बन रहा था, यहाँ तक आने में टाइम लग गया. इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये लोग जानबूझ के स्लो ट्रक देती है. मेरे को सही में उसके लिए बुरा लग रहा है जो हर रोज ये मिशन करते हैं. सॉरी. कोई नहीं ब्रो, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है. ये रहा सामने है, नो माय गॉडज़िला वेरी बिग मार्कर. अब ये देखने की बारी आ गई है कि हमें कितना पैसा मिलेगा. सर 50,000. इतने कम टाइम के हिसाब से इतना बुरा भी नहीं है. और रिसर्च हो गया होगा, बंकर चलती है. क्या वापस जाना है यार, बहुत दूर है. कोई काम करते
बातें गाइस, इतने सालों से मेरे को ऑपरेशन लेना था द फ्लाइंग बाइक। आज हम लोग वो चीज ले ही लेते हैं और तू ये टैंक क्यों लेकर आ गया? मेरे पीछे पुलिस पड़ गई थी। ओके वेरी बैड एस, सीधा टैंक ही निकाल दिया इसने। और इनका तो टैंक भी काफी मस्त है गाइस, कस्टम पेंट लगा रखा है। और ओ भाई ध्यान से, उड़ सकती हूँ। क्या मैं उड़ सकता हूँ? कैसे? प्लीज टैंक खेलने के लिए थोड़ी है। की फर्क पड़ता है यार, अब जल्दी से पीछे मुड़ो ना। हाय, तुम तो बुली मैग्वायर जैसे डांस कर रही थी। एक और बार आ जाओ, इस बार और भी ज्यादा दूर उड़ेंगे गाइस, बहुत मजे आएंगे। 3, 2, 1 लेट्स गो। अपोजिट साइड उड़ा यार, उस तरफ जाली है। ओके 3, 2, 1 परफेक्ट लैंडिंग। चलो गाइस बहुत टाइम पास हो गया, अब जल्दी से ऑपरेशन खरीदते हैं। यहाँ नहीं मिलेगा, वॉचस्टॉक पे जाओ। ऐसा है क्या? माय बैड। कह गया ये रहे वॉचस्टॉक, आ जाओ गाइस। ओह माय गॉड जिला, 3.8 मिलियन। अभी थोड़े टाइम बाद इसका प्राइस और भी बढ़ने वाला है। चलो फिर तो अच्छा है। और ट्रेड प्राइस पे खरीदने के लिए गाइस ये देखो मिशंस करनी होती है, बट अभी इतना टाइम नहीं है। सो विल बाई। ठीक है तो गाइस मैंने ऑपरेशन खरीद लिया है और थोड़ी देर में वो गैराज में आ जाएगी, बट अभी हम लोग को एस्केप करने का है क्योंकि आप लोग देख सकते हो पुलिस हमारे पीछे है। 12 seconds later. Alright, तो गाइस अभी पुलिस हमारा पीछा नहीं कर रही क्योंकि लॉस सैंटोस में अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेस्टर को कॉल लगाओ और वो सारे वांटेड स्टार हटा देगा। और फाइनली ऑपरेशन चलाने का टाइम भी आ गया है गाइस। वेल आज के लिए सिर्फ देखेंगे, कल चलाएंगे, क्योंकि यार मैं ऑलमोस्ट 1-2 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बट डोंट वरी, अभी जो ये वीडियो देख रहे हो आप लोग वो सारे दिन का कंबाइंड है। हाँ न्यूक्लियस एक्सप्लोसिव एमो को अनलॉक करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक सेकंड रुको, मैं आगे क्यों जा रहा था? हम लोग यहीं से तो जा सकते गैराज। मैं भी ना गाइस, कितना बड़ा चोमू बनते जा रहा हूँ बॉब की तरह। इतना बड़ा गन का फोटो किसने लगाया है यार? तुमने ही तो लगवाया था। राजू की क्लास लूंगा, मैंने बोला कोई अच्छी फोटो लगा दो, भैंस की पिस्टल ही लगा दिया। ये देखो तुम्हारी ऑपरेशन। क्या बात है गाइस, पार्किंग में तो और भी ज्यादा ओपी लग रही है। और ये गाड़ी कहाँ से आई भैंस की? फ्रैंकलिन की है। आई सी। एंड गाइस लुक एट आवर ऑपरेशन, सो मच वेरी मच कूल। अब कल वापस आते हैं, मैं भी अपनी ऑपरेशन लाऊंगा। ओके तो फ्यूचर एडिटिंग वाले न्यूक्लियर नेक्स्ट जे पे कट करो रे। What is up guys? Your professional बदला लेने वाला is back once again. और आज के दिन हम लोग को मिलने वाले हैं भैंस के कपड़े। अब जल्दी आ जाओ, बंकर चलती है। Yes my friend, इतनी बुरी तरह हारने के बाद अपन को यहाँ पर नहीं रहना। पैसे ठीक थे यार, कपड़े क्यों देती है? अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो मैं डोनेट कर दूंगा। हाँ वो बढ़िया है, बहुत कपड़े मिले मेरे को यहाँ पर, सब ले ले और डोनेट कर दे। ओके लेट्स गो गाइस, अब तो बंकर पे जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। फ्रो बोलते हैं प्रेशर चलाते धुआं निकालते मिसाइल्स डॉच करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा ओपी है यार और अनलिमिटेड है, देखो गाइस खत्म ही नहीं हो रहा। वाओ यहाँ से तो और भी ज्यादा कूल लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि ग्रीन गोब्लिन आ गया जीटी में। जो भी मेरे से पंगा लेगा उसको मैं गोब्लिन बनाएगा। बड़ा भी फिलहाल के लिए अपुन को जाने का है बंकर, तो फिर वही मिलता है गाइस। अरे वे देखते सही कितना रिसर्च हो गया है। बट स्टिल अभी पूरा नहीं हुआ, तुम्हें पैसे देने होंगे कंप्लीट करने के लिए। अरे कोई नहीं यार, न्यूक्लियस के लिए थोड़े बहुत पैसे तो मैं खर्च कर ही सकता हूँ। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एक्सप्लोसिव एमो का। आ जाओ गाइस देखते हैं इस बार क्या मिलने वाला है। इसको करते हैं फर्स्ट ट्रैक। वैसे 90,000 अभी भी इतना छोटा अमाउंट नहीं है, बट कोई नहीं, बाद में क्यों पेरी को हाइस करके सारे पैसे रिकवर कर लेंगे। और एक्सप्लोसिव एमो दे दो प्लीज। GTA वालों ये क्या कर रहे हो यार मेरे साथ? देखो गाइस एमो मिल तो गया है, बट ये एक्सप्लोसिव एमो नहीं है, वो येलो कलर का होता है। अब वापस से वेट करना होगा। चलो इस बार हम लोग सप्लाई चोरी कर लेते हैं। डोंट वरी, कभी कभी ऐसा होता रहता है। ऐसे क्यों खड़ा है ब्रो? एक कमाल की गाड़ी बुलवा रहा हूँ। अच्छा हम भी देखे कौन सी गाड़ी है। ये देखो, ओह माय गॉड जिला, कस्टम लंबोर्गिनी विद डॉलर साइन टायर। ये पानी में भी चल सकती है। क्या बात है, वो वाली गाड़ी है क्या? और यार दरवाजा तो खोल दे। ओह सॉरी रुको, सेटिंग्स चेंज करता हूँ। तो फिर पानी में चलते हैं। ओके लेट्स गो। हैं पहिए गायब हो गए? अच्छा ब्लेड निकल गए। क्या बात है गाइस, ये वाली गाड़ी तो बड़ी खतरनाक है, एकदम स्पाई वाली गाड़ी लग रही है, पीछे प्रोपेलर्स भी है। अब देखो मैं बनूंगा डॉल्फिन। ये सही में गाइस मजाक नहीं है, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज है, इवन इसका टर्बो भी बहुत जल्दी जल्दी रिचार्ज होता रहता है। वो तो कुछ नहीं था, एक और कमाल का फीचर है। वो क्या है? रुको अभी दिखाता हूँ। ये देखो कुछ नहीं हो रहा यार, कुछ ज्यादा ही ओपी नहीं है गाइस, ये पानी में जा सकती है, भैंस की बूस्ट रिचार्ज होते रहता है। और अब ये मिसाइल्स, इन सबको मारने के बाद तुम्हें अंदर जाना होगा। आई डोंट थिंक कि उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ये जो ऊपर बंदा है, अबे लगी नहीं रही उसपे। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ मैं, ट्रैकिंग फेल हो रही है। क्या ही फर्क पड़ता है, अनलिमिटेड गोलियां है, देखो
लगी गई। इवन अवार्ड भी मिल गया और ये कैसी पोज में मरा है ब्रो? एंटर द बेस। डरते है क्या? FBI ओपन अप वाला कर रही है। यहाँ पर तो और भी लोग हैं। तुम अंदर देखो, मैं बाहर देखता हूँ। रोजर दैट ब्रो, आज हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, सबको मार के रहेंगे। हेडशॉट, तेरे को भी हेडशॉट, भैंस की सबको हेडशॉट। तेरी से पंगा ले रहे थे, भूल गए कि मेरे पे रॉकेट लॉन्चर है। वैसे जस्ट मिस गाइस, अगर ये आग थोड़ी आगे लग जाती तो कंप्यूटर खराब हो जाता और ये मेरा प्लेयर पागल हो रहा है क्या? क्यों, क्या हुआ? मैं तेरे को बाद में रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। सही में गोचू प्लेयर है, अभी जल के मर जाता। अब हमको प्लेन हैक करना होगा। हाँ, नीचे दिखा तो रहा हैक दी प्लेन करके, बट प्लेन को कैसे हैक करेंगे? उड़ के टूट से कि ये गाड़ी उड़ भी सकती है? नहीं, फिर तो बिल्कुल ही उपयोग जाती, उसके लिए दूर सी गाड़ी है। इस गाड़ी को तो मैं जानता हूँ, डिलक्सो डेलक्स कुछ जो भी है इसका नाम। ये लेट्स गो। अबे यार, मैप पे मार्क करूं? ओके, कहे हो प्लेन, कहे चिपके बैठी हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। पकड़े गए। शाम के टाइम मानना पड़ेगा गाइस, हमारा शेड्यूल द लॉस सैंटोस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तुम रेडी होना हैक करने के लिए? यस माय फ्रेंड। कौन सा ऐप था? शायद से ये वाला था। अब बस हमें 100% तक का वेट करना होगा। ठीक है, और ध्यान से यार, क्रैश ना हो जाए। चिंता मत करो, नहीं होंगे। ओके, होने वाला है 99, 100। ये यू हैक्ड द प्लेन। अब हमें एक लोकेशन मिलेगी। और कितनी बार कॉल करेगा ये एजेंट 14? मिली क्या? हाँ, नीचे लोकेशन आ गया। रुक, मैं मैप पे मार्क कर देता हूँ। चलो फाइनली लोकेशन पे आ गए हैं। और एक काम करते हैं, योलो। मैं पार्क करने ही वाला था। इट्स ओके ब्रो, आई एम फाइन, डोंट वरी। पर यार, सिर्फ सप्लाई के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। तुम्हें अभी इसको बंकर पे भी ले जाना होगा। क्या, हमें शहर से वापस बंकर तक जाना होगा? अगर तुम चाहो तो पैसे यूज कर सकती हो। हाँ, क्यों नहीं यार, बहुत पैसा है उनके पास। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से वही करेंगे। वैसे बॉब दी अग्गू ने कैसे करा? हमारे पास तब ज्यादा पैसे नहीं थे, तो ऐसे ही करा। बॉब ने इतना लेंथी प्रोसेस करा? तभी तो मैं कह रहा था, हम लोग बहुत लकी थे, थर्ड टाइम पे मिल गया। ठीक है, तो देखते हैं कि मेरे को थर्ड टाइम पे मिलता है कि नहीं। वैसे ये फॉरेस्ट एरिया भी रात के टाइम पे इतना बुरा नहीं लगता। देख रही होगा, इस मूनलाइट सामने की तरफ सी है, रोमांटिक, बस गर्लफ्रेंड नहीं है। न्यूक्लियस, आप लोग गुड लक के लिए लाइक कर दीजिए। हाँ गाइस, जो भी इस एक्सप्लोसिव एमो के लिए वेट कर रहा था, स्मैश दैट लाइक बटन। और ये है क्या हुआ अभी? जो भी होगा, इसकी फर्क पड़ता है। अभी तो हमें बस ये देखना है कि एक्सप्लोसिव एमो मिलता है कि नहीं। ये क्या, तुम्हारा रिसर्च तो नहीं हुआ अभी? तो इसका मतलब मैं अभी अनलॉक नहीं कर पाऊंगा? इस बार हम लोग मनी यूज करने वाले हैं, तो बस 2-3 मिनट और रुक जाओ। अच्छा, तो ठीक है, इन 2-3 मिनट में अपन को पता है कि क्या करना है। वो क्या है? स्टंट एट नाइट। रात के टाइम पे सही में गाइस, बहुत कूल लगती है गाड़ी। फिर रुको, मैं भी एक कमाल की गाड़ी लाता हूँ। ओके, तब तक मैं स्टिकी बॉम्ब के साथ ही टाइम पास कर लेता हूँ। उससे पहले रुको, एक कमाल का आइडिया है। एंड व्हाट इज दैट आइडिया माय फ्रेंड? वही, रुको, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ओके, तब तक के लिए मैं करूंगा अभी। Oh my God, Zilla, what the hell was that? ये तो शायद तुम्हारा अब तक का बेस्ट स्टंट था। व्हीली करे, हवा में घूमे और परफेक्ट लैंडिंग। अब मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहूंगा, बट ऐसी चीजें मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि वापस से फुल स्पीड में। ठीक है, रेडी रहना। आई एम ऑलवेज रेडी ब्रो। उससे पहले बस एंगल सेट करने का है गाइस। बिल्कुल स्ट्रेट होगा तभी तो मजा आएगा। लेट्स गो। ये क्या था? बीब्लेड बन गई थी। सही बोला यार, और तू जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहा था वो भी लेकर आना। हाँ, न्यूक्लियस, आप लोग यकीन नहीं करोगे कौन सी गाड़ी है, बैट मोबाइल। हम लोग को तो स्टंट करते हुए बहुत टाइम हो गया, देखो सुबह हो गई। सही बोला यार, अब स्टंट करने में इतने मजे आ रहे थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। ओके, तो क्या मेरे को इस बार एक्सप्लोसिव एमो मिलेगा गाइस? लेट्स गो, फास्ट ट्रैक रिसर्च करते हैं। $225,000 गए, बट यू नो गाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इस बार क्या मिलने वाला है कंफर्म करो। और आप लोग को याद है कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? अरे अपुन कलर कुछ से भी ज्यादा खतरनाक है, देख लेना, फर्स्ट टाइम पे ही मिल जाएगा। जी हाँ, वो बोल के मैंने सही में गलती कर दी, क्योंकि एक्सप्लोसिव एमो अनलॉक होने से पहले लिटरली हर एक चीज अनलॉक हो गई। ठीक है, मैं मानता हूँ 1.something% स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, बट ये परसेंटेज बढ़ बढ़ के 33 पहुंच गया। मैं रो रहा नहीं हूँ, ये खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं और वो एक्सप्लोसिव एमो कलेक्ट करती है। फाइनली गाइस, after a lot of struggles, आज वो दिन आ गया है जब मेरे को एक्सप्लोसिव एमो मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यार, जब ये चीज मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे पे $166 million थे, और अब 146 million है। उतने पैसों में तो 5 ओपरेसर मिल जाती। माई बैड, गलती से लग गया, सॉरी यार। इट्स ओके, अब आओ चलती है। हाँ गाइस, सही बोल रहे हैं, आजो चलती है। सच बोल रहा हूँ, पहली बार इस सीट के ऊपर बैठते हुए मेरे को खुशी हो रही है। नहीं तो लास्ट 3-4 दिनों से जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, इस सीट को उड़ाने का मन कर रहा था। देखो 33% चांस पे मेरे को मिल रहा है। अब अपुन को बिल्कुल भी रुकने का नहीं है। कहाँ पर है? फास्ट रिसर्च कंफर्म। यस, फाइनली।
काफी इमोशनल जर्नी थी। GTA 5 में कभी भी किसी चीज के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं करी। देख रहे हो गाइस कितनी सारी चीजें अनलॉक करी है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात तो ये है कि इनमें से आधी चीजों को मैं कभी यूज ही नहीं करने वाला। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, पुरानी सैड मेमोरीज को भूल जाते हैं और नई मेमोरीज बनाती है। और हाँ, आज का दिन मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, और त्योहार के दिन हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। आइए लेट्स। चल तूने ये क्या पहन लिया? बॉब ने और कुछ नहीं खरीदा, बस यही है। चल कोई नहीं, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। और गाइस आप लोग को पता है ये जो वेपन वाले अपग्रेड्स है ना कहीं पर भी नहीं हो सकते, इनके लिए स्पेशल जगह चाहिए होती है या फिर ये ट्रक। तुम्हें सामने ब्लू सर्कल दिख रहा होगा। चलो तो फाइनली इतने टाइम के बाद वेरी इमोशनल कह गए मेरे स्नाइपर शॉटगन ऑलमोस्ट 150,000 डॉलर, बट इसके लिए अब 20 मिलियन उड़ाया है तो 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। शॉटगन में तो लग गया, अब स्नाइपर की बारी, मैगजीन्स और ये रहा एक्सप्लोसिव राउंड्स। अब बस हमें बॉब दी हग्गू का वेट करना है और इसका रिएक्शन देखना है। थोड़ी देर में आते ही होगा वो। Eventually. ये रेस वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और देखना वो आज के दिन मैं ही जीतूंगा। भैंस की पूछ अभी अभी तो गेम में आया और स्टार्टिंग में उड़ा दिया मेरे को। मेरे प्यारे मालिक आई एप्लोजाइज। अच्छा कोई नहीं, रेस स्टार्ट करने से पहले मेरे को कुछ टेस्ट करना है। एक बार यहाँ पर आई हूँ। तेरा प्लेयर अब हग सकता है क्या? तेरे दिमाग में हगने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? कहाँ पर है? जरा पीछे तो मुड़ो। ओके, ये क्या है? क्या तेरे पे एक्सप्लोसिव एमो कहाँ से आया? भागो। क्यों बच्चू कैसा लगा? मैं भूल ही गया था कि कल 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। ए, नहीं ये क्या हो रहा है? नहीं ओ नो गाइस, मैंने वेपन अपग्रेड कर दिया बट एमो लेना भूल गया। ए, न्यू बड़ा स्नाइपर की एमो खत्म हो गई तो क्या शॉटगन की एमो बाकी है ना, और ये मेरा प्लेयर इतना क्यों फिसल रहा है? तू बहुत बड़ा नूबड़ा है ना, इसलिए। ऐसा है क्या भैया? मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपने उड़ाई दिया। तो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आ गया। सही में यार एक्सप्लोसिव एमो अनलॉक करने में ना मेरे को 5-6 दिन लग गए और 20 मिलियन डॉलर का चूना लग गया। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे इसके बारे में कि जल्दी बनाओ वीडियो, जल्दी बनाओ। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया कि इसको बनाने में क्यों इतना टाइम लगा। और अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और क्या है, बाय बाय।